स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा नवीं में पाठ दो सिंक वाली यह पढ़ेंगे और इस पाठ की लेखिका हैं सुनीता। विद्यार्थियों, यह पाठ हमारे देश में प्रचलित बाल विवाह से संबंधित है। साथ में ही पति के जल्दी स्वर्ग से धार जाने के बाद एक पत्नी को विधवा का जीवन किस तरह जीना पड़ता है और ऐसे में कठिनाई और बढ़ जाती है जब वह औरत, वह स्त्री, वह महिला घर में अकेली हो। ऐसे ही चुनौतियों के बारे में कि महिला का जीवन, एकाकी जीवन, अकेला जीवन कैसा होता है, वैधव्य का जीवन कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ पर लेखिका सुनीता ने किया है। साथ में ही लेखिका सुनीता ने इस पाठ के माध्यम से यह भी बताया है कि किस तरह से जीवन में घटित होने वाली दुर्घटनाओं, विपत्तियों, मुसीबतों के कारण व्यक्ति के हृदय का जो प्रेम का स्रोत है, कोमल भावनाएं हैं, वे वात्सल्य है, सहानुभूति है, यह सब समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में कठोरता यह समाहित हो जाती है। किस तरह से व्यक्ति परिस्थितियों के चलते वह अपने हृदय की ममता को छोड़ देता है और वह कठोरता को स्वीकार कर लेता है। इस कहानी में, सीक वाली में, लेखिका ने सीक वाली ताई के माध्यम से इन्हीं गुणों को, इन्हीं विचारों को अभिव्यक्ति दी है, वाणी दी है। आइए हम लोग पढ़ते हैं गद्य संबंधी वर्णनात्मक कहानी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी है। अर्थात जीवन में, किसी के भी जीवन में घटी हुई वह घटना जिसका हम रोचक वर्णन करें, जो इंटरेस्टिंग हो, साथ में उसमें प्रवाह होना चाहिए, गतिशीलता होनी हो, ऐसे वर्णन वाली कहानी को हम वर्णनात्मक कहानी के नाम से जानते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छिपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वात्सल्य, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, जीवन में घटने वाली कोई कोई घटनाएं इतनी बुरी होती हैं, इतनी खराब होती हैं कि वह हमारे हृदय के भीतर की ममता के स्रोत को सुखा देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि हम वापस कोमल हृदय हो जाते हैं, हमारे अंदर वात्सल्य हिचकोरे लेने लगता है। चलिए उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान रखें कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द संपदा, जिसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, साथ में ही उपसर्ग, प्रत्यय, कृदन, तद्धित, इन सभी की जानकारी दी थी। तो यहाँ भी आप उसके लिए तैयार रहेंगे। मैं कदम कदम पर आपको यहाँ पर इन सभी शब्द संपदा वाले व्याकरण को बताता चलूंगा। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई, बड़े ही भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया, ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जल्दी नहीं रहेगी। कारण यह है कि अब बोर्ड एग्जाम में उत्तर नहीं लिखने, आपको कृतियां करनी है और कृतियों के लिए बहुत जरूरी है कि आप
उन सभी संजालों का पूछे गए प्रश्नों का उत्तर परिच्छेद से खोजने की कला में पारंगत हूँ। परिच्छेद में आए हुए व्याकरणों की जानकारी आपको हो। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। यहाँ पर इतने भर में एक संजाल बना, चार चौखट बने, प्रश्न बना कि सीख वाली को ताई नाम से बुलाने वाले। चार बॉक्स हुआ, पहले में होगा सारा गांव, सारा गांव मतलब गांव के सभी लोग, बड़े भी एक बॉक्स, दूसरे बॉक्स में, छोटे भी तीसरे में, सभी ये चौथे बॉक्स में, ध्यान रखें। अगला छोटा प्रश्न बना, उत्तर लिखिए। सारा गांव सीख वाली को कहता था, उत्तर सीख वाली ताई। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया, ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। यहाँ पे प्रश्न बना कि ताई के ससुराल का नाम सालवन, ताई के ससुराल के नाम का गांव, ससुराल के गांव का नाम सालवन, ताई के मायके का गांव का नाम सिंह। यहां पर ये प्रश्न बने। आगे कोई 50 बरस तो हो ही गए सिख वाली ताई को इस गांव में आए, तब 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ कम ही होंगी। अब यहाँ पे देखें तो छोटे छोटे प्रश्न बने। सिख वाली ताई को सालवन गांव में आए, इतने वर्ष बीत गए 50, साथ में ही सिख वाली ताई को की विवाह के समय की उम्र 16 बरस, वर्तमान समय में सिख वाली ताई की उम्र 70 के लगभग, 70 से कुछ कम, ध्यान रखें। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने, अभी इसी से प्रश्न आपको बनेगा। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुश मिजाज, दिलेर बहादुर, खुश मिजाज, प्रसन्न चित। यहाँ पर देखें तो यह खुश जो है यह उपसर्ग है, मिजाज यहाँ पे भाव या मन, तो खुश उपसर्ग है। ऐसे ही होता है, एक शब्द है खुशबू, तो उसमें बू जो है, बू का अर्थ होता है गंध, तो उसमें खुश जो जोड़ा गया है वह उपसर्ग होता है। इसी तरह से बदबू, तो बद या खुश जो है वह उपसर्ग है, खुश या उर्दू का शब्द है। हर कोई उनकी तारीफ करता। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कि पति किशोरी लाल की विशेषताएं, तो एक में आया दिलेर और दूसरे में आया खुश मिजाज। आराम से आपको उत्तर मिल रहा होगा कि किशोरी लाल जी की विशेषताएं या उनका स्वभाव दिलेर और खुश मिजाज। और प्रश्न यहाँ पर बना, किशोरी लाल का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहला हुआ कि वे फौज में थे एक बॉक्स में, दिलेर थे, बड़े ही दिलेर थे दूसरे बॉक्स में, खुश मिजाज थे तीसरे बॉक्स में, हर कोई उनकी तारीफ करता प्रशंसा करता चौथे बॉक्स में। चार आपको यहाँ पर मिल गए। आगे चलते हैं। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सिंह वाली ताई के वेश सबसे खुशियों भरे दिन थे। अब यहाँ फिर से प्रश्न आपका बना कि सिंह वाली ताई के खुशियों भरे दिन, उत्तर लिखिए, जब वे नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई हुई थी तब। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई, बरस के बाद ही होना चाहिए था। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बना कि सिख वाली ताई अपने पति के साथ कुल इतने वर्ष तक रही, 4-5 वर्ष तक,
इनकी मृत्यु की खबर आई। सीख वाली ताई के पति किशोरी लाल की मृत्यु की खबर आई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी उनके सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। अब यहां पर देखिए तो यहां पर एक प्रश्न यह बनता है कि ताई के निपट अकेली रहने का कारण, निपट अर्थात बिल्कुल, तो पहले बॉक्स में आएगा पति किशोरी लाल की मृत्यु, आपको यहां पर मिलेगा, और दूसरा कि सास ससुर का साया भी उठ गया। यहां पर देखिए सास ससुर शब्द युग्म है। साथ में मैंने कहा था कि इससे भी प्रश्न बनेगा संजाल के रूप में कि ताई द्वारा झेले गए दुख, तब यहां पर आपको उत्तर में यही मिलेगा कि चार पांच बरस ही पति विवाह को हुए थे कि पति की मृत्यु हो गई, दूसरा सास ससुर का साया भी उठ गया, यही दोनों उत्तर भी वहां आएंगे। इसी के साथ में अगले पैराग्राफ में हम लोग चलें। हालांकि अकेली भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे। उल्टी सीधी शब्द युग्म आया। दबंग रोबदार, बहुत ही रुआब वाली। ध्यान रखें कि आपको शब्द युग्म वगैरह पे हमेशा ध्यान देते जाना है। उल्टी सीधी कह दे, एक की चार सुनाती थी। एक की चार सुनाना अर्थात कोई एक बात कहे तो उसका चार उत्तर देना, मतलब उससे कहीं ज्यादा कहना। अब यहां पर आपका जो प्रश्न बना वह प्रश्न यही बना कि ताई की दबंगई का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम यह हुआ कि किसी की मजाल नहीं थी कि कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे। अगला, एक की चार सुनाती थी। आगे चलते हैं, इसलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे। शब्द युग्म आपको मिल रहा होगा आस पड़ोस, दूर दूर शब्द युग्म है। यहाँ पे फिर से आपका प्रश्न बना कि ताई के आस पड़ोस के लोग जरा दूर दूर ही रहते थे, कारण लिखिए। उत्तर क्या आया कि सीख वाली ताई बहुत दबंग थी, किसी की मजाल किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे। वे एक का चार सुनाती थी, इस कारण से आस पड़ोस के लोग उनसे दूर रहते थे। मुझे लगता है कि यहाँ आपको समझा होगा। यूं भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली सीख वाली ताई। लंबी चौड़ी शब्द युग्म आया, कद काठी शब्द युग्म हुआ। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर सीख वाली ताई की विशेषताएं बताई जा रही हैं। यहां पर उनकी कद काठी की विशेषता आई, खूब सावला पक्का रंग, यहां उनके शरीर के रंग के बारे में बताया गया। चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देखकर ही डर जाए। मर्दानापन यहां पर देखें तो पन जो है यह प्रत्यय होता है, वृद्धापन मर्दानापन, तो यहाँ पे मर्दानापन का अर्थ होता है पुरुषों के जैसा, पुरुष के जैसा, मर्द के जैसा। और बोली ऐसी शक्त, शक्त अर्थात कठोर कड़वी, उनकी बोली की विशेषताएं आ गई। तो आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे। शक्त कड़वी कि जिसे दो चार खरी खरी सुना दे उसे रात भर नींद न आए। यहाँ पे शब्द युग्म आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे, दो चार यहां पर मिला आपको। अब यहाँ पे प्रश्न आपका एक संजाल के रूप में हुआ जो कि पूरे में फैला है। प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाने लायक कि सीख वाली ताई की विशेषताएं, उनकी खूबियां। पहला तो यही आया कि वे दबंग महिला थी। दूसरा, अब यहां पर खूब लंबी चौड़ी,
खूब ऊंची कदकाठी वाली थी, दूसरा हुआ सीख वाली ताई का खूब सावला पक्का रंग था और अगला उनके उनकी बोली बहुत सख्त और कड़वी थी। आगे आया कि सीख वाली ताई की बोली की विशेषताएं, तो यहां पर सख्त और कड़वी, ध्यान रखिए यहां पर भी शब्द युग्म आपको मिला था। आगे देखते हैं, प्रश्न बना कि प्रश्न यहां से छोटे छोटे बने। यहां पे देखेंगे तो सीख वाली ताई की कद काठी लंबी चौड़ी खूब ऊंची कद काठी, सीख वाली ताई का रंग खूब सांवला पक्का रंग, सीख वाली ताई के चेहरे पर भाव मर्दानापन, लोग सीख वाली ताई से को देखकर डर जाते थे, कारण लिखिए, उनके चेहरे पर मर्दानापन होता था और उनकी बोली सख्त और कड़वी होती थी, साथ ही दो चार खरी खरी सुना देती, उसे रात भर नींद नहीं आती। लोगों के रात भर नींद न आने का कारण, तो यहाँ पे भी वही उत्तर, सीख वाली ताई के चेहरे पर मर्दानापन था कि लोग दूर से देखकर ही डर जाएं, बोली सख्त थी यानी कठोर थी, कड़वी थी मतलब वही चीज कठोर थी, और जिसे दो चार खरी खरी सुना देती थी उसे नींद नहीं आती थी। तो यहाँ पर सीख वाली ताई की विशेषताओं का, उनके जीवन का वर्णन किया गया है कि सीख वाली ताई का स्वभाव कैसा था और किस तरह से उनके अंदर इस तरह की कड़वाहट, इस तरह की शक्ति आई, उनका रूप रंग कैसा था।